बॉलीवुड का 90s का दौर अगर आपको याद है तो आप एक हैंडसम एक्टर को नहीं भूले होंगे, नकुल कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले प्राइवेट एल्बम से ही धूम मचा दी थी और जब बॉलीवुड में कदम रखा तो अपनी पहली ही फिल्म से तहलका मचा दिया। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि वो अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए? दरअसल लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। मगर सालों बाद एक ऐसा अजीब रहस्य सामने आया जो चौंकाने वाला था। आइए नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर उनके गायब होने तक की पूरी कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। हिंदी सिनेमा का 90 का दौर। एक युवक प्राइवेट एल्बम्स में काम करके युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। इनका नाम था नकुल कपूर। नकुल दिल्ली में 11 जुलाई 1974 के दिन पैदा हुए थे। कम ही लोगों को पता होगा कि नकुल ने कभी फिल्मों में आने या एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था। उनकी रुचि तो खेलों में थी। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर दिए थे। नकुल पढ़ाई के साथ साथ वाटर डाइविंग सीखने लगे। नकुल इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे थे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और वाटर डाइविंग में नेशनल लेवल चैंपियन बनकर उभरे थे। मगर किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था, तो डाइविंग तो बस वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन गई। हुआ ये कि नकुल बचपन से ही काफी ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि मॉडलिंग कर, खूब पैसा कमाएगा। नकुल ने भी मजाक मजाक में ही अपनी कुछ तस्वीरें मॉडलिंग एजेंसीज को भेज दी। देखिए, जब किस्मत साथ देती है तो काम कैसे बनता है। अचानक एक मॉडलिंग एजेंसी से इन्हें ऑफर भी मिल गया और नकुल रातों रात मॉडल बन गए। किस्मत साथ दे रही थी तो जो भी करते कामयाबी मिल जाती। 1995-96 की बात है, इनको डाइविंग का तो शौक था ही, साथ ही साथ बंजी जंपिंग को उस समय भारत में गिने चुने लोग ही जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला किया। मगर उनको क्या पता था कि ये शौक उनकी किस्मत पलटने जा रहा था। नकुल जब बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इसकी खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी पहुंची। कंपनी को आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल को बुलाया और एक बड़ा ऑफर दे दिया। भारी भरकम फीस देकर उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उनको उस कंपनी के विज्ञापन में भी बंजी जंपिंग करनी थी। 1996 में उनका पहला विज्ञापन आया। इस विज्ञापन में दिखाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो नकुल पैर में रस्सी बांधकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। लोगों को ये विज्ञापन ही नहीं बल्कि नकुल भी खूब पसंद आ गए। अगले साल 1997 में हेलीकॉप्टर से जंप लगाने वाला नकुल का विज्ञापन भी खूब मशहूर हो गया। बस यहीं से वो सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में चढ़ गए। वो अपना एक प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी जिसके लिए उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम नकुल में उनको अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने अपनी प्राइवेट एल्बम में नकुल को साइन कर लिया। साल 1998 में ये एल्बम रिलीज हुआ। इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग हो गई है मोहब्बत तुमसे ने युवाओं के बीच धूम मचा दी। खासकर नकुल लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। कामयाबी नकुल के कदम चूमने लगी। बड़ी म्यूजिक कंपनी टिप्स ने नकुल को ऑफर दे दिया। साल 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनके एक प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी भी सुपरहिट हो गया। अगले ही साल रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ भी अपना एल्बम निकालने जा रहे थे। उनको भी नकुल का चेहरा काफी ज्यादा पसंद आ गया और उन्होंने नकुल को अपने एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने फिर से एक बार बवाल मचा दिया। इसी साल नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर के गाए हुए गाने में टिप्स कंपनी ने नकुल को फिर से मौका दे दिया। अब तो नकुल म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर बॉलीवुड वालों की नजर आखिर नकुल पर क्यों ना पड़ती। साल 2001 की बात है, प्रोड्यूसर रमेश तुरानी एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी।
अचानक उनकी नजर नकुल के प्राइवेट एल्बम्स पर पड़ गई। उनको नकुल पसंद आ गए तो उन्होंने बुला लिया ऑडिशंस के लिए। ऑडिशन हुआ तो नकुल को रमेश तुरानी ने पास कर दिया और अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। साल 2002 में आई इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म से संबंधित एक दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं। हुआ ये कि एक योजना के तहत इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के गीतों को महीनों पहले ही रिलीज कर दिया। इस फिल्म के 3 गानों ने संगीत प्रेमियों के बीच कोहराम सा मचा दिया। सोनू निगम का गाया हुआ गाना ये उन दिनों की बात है, दूसरा इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है, मगर कुमार सानू का गाया हुआ ये तीसरा गाना आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो उस साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया। फिल्म के गानों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि फिल्म की रिलीज से पहले ही सारे कैसेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो नकुल को देखने के लिए दर्शक इस तरह से सिनेमा हॉल में पहुंचे कि उसी दिन रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म प्यार दीवाना होता है तक फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदी पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में चर्चा होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले स्टार के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक से बढ़कर एक ऑफर लेकर नकुल के पास पहुंचने लगे, मगर अचानक नकुल कपूर गायब हो गए। लोग नकुल कपूर की अगली फिल्म का इंतजार करते रहे, लेकिन साल दर साल इंतजार चलता रहा पर कोई फिल्म ना आई। इसके बाद जो खबर आई उस खबर ने लोगों को हैरान कर दिया। खबर ये थी कि नकुल कपूर की मौत हो गई। कोई कहता कि बीमारी ने उनकी जान ले ली, तो कोई कहता कि सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। सालों तक अब लोग यही मानते रहे कि नकुल अब इस दुनिया में नहीं हैं। मगर अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में नकुल कपूर दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं। उस वक्त पता लगा कि लोगों ने उन्हें जिंदा मौत दे दी थी। नकुल की जिंदगी का एक और सच था, उनका झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक मिली कामयाबी ने उनको और ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था, इसलिए उन्होंने कामयाबी के बावजूद भी सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया था। वो भारत छोड़कर कनाडा में बस गए थे। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के वैंकूवर शहर में रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। वो अब कनाडा में ही विदेशियों को योग और आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। वैसे अब 50 साल के हो चुके नकुल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जो बॉलीवुड में स्टार बन सकता था, किस्मत ने उसे एक सन्यासी जैसा बना दिया। दोस्तों, आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे? उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।